गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का नज़ारा देखिए फ्रॉम लाचुंग। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। सामने पहाड़ है और वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप भी अच्छा निकला है। अभी हम लोग जाएंगे यमथंग वैली, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं रास्ते में। चलिए, मैं ब्रेकफास्ट कंटिन्यू चल छे और उप की दिए छे ब्रेकफास्ट है खूब दुर्लभ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में यही मिला है। अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं यमथंग वैली। ये रास्ता देखिए बहुत ही खराब है, देखिए आप लोग। आज मौसम अच्छा है, आज तो हम लोग को मतलब बारिश हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा, कल पूरा दिन बारिश होता रहा, लेकिन फिर भी हम लोग घूमा और कटाव का जो नज़ारा है वो तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। हम लोग सब मिलकर अभी यमथंग वैली जा रहे हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे देखिए, ये बहुत ही अच्छा है और सुबह सुबह अच्छा नज़ारा मिल रहा है देखने के लिए। आप लोग ये देखिए नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए थोड़ा रुका आप लोग को दिखाने के लिए। और ये है नीचे और ऊपर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग मेरे साथ रहिए। यह है शिंगबा रोडोडेंड्रन सेंचुरी। यहाँ पे 40 टाइप रोडोडेंड्रन देखने को मिलता है। और अगर आप लोग का लाख अगर अच्छा है तो ऊट स्नाइप जो बर्ड है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़ोर से एयर फ्लो हो रहा है, इसलिए मेरा बात सुनने में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। ये जगह बहुत ही बढ़िया है और हम लोग अभी शिंगबा रोडोडेंड्रन सेंचुरी के ऊपर से ही जा रहे हैं। यमथंग जाने वाले रास्ते पर आप लोग को मिलेगा। बड़ा पहाड़ है भाई, इधर भी देखेंगे आप लोग को पहाड़ ही नज़र आएगा। और वो पहाड़ के ऊपर जो वाइट वाइट जैसा है वो पूरा बर्फ़ है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ हम लोग, और यमथंग वैली के बहुत ही नज़दीक है हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ओ देखिए देखिए, ओ भाई साहब, क्या हो भी देखिए, ऊपर देखिए, इधर भी है। और ये देखिए वाटरफॉल गिर रहा है, छोटा सा एक वाटरफॉल। और ये गाड़ी आ रहा है, हम लोग को थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा। और ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को, बढ़िया है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए। ये उनसे थोड़ा बात हुआ, बोला कि बहुत बढ़िया लग रहा है यमथंग। और बढ़िया क्यों नहीं लगेगा, आप लोग को तो यही बोल रहा हूँ, आप लोग भी आइए घूमिए। इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए कि आप लोग पूरा लाइफ अगर देखते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। और देखिए ओ भाई साहब, देखिए देखिए, ओ कहाँ कहाँ देखूँ, रास्ता भी ख़राब है, रास्ता भी देखना पड़ रहा है और आप लोग को भी दिखाना पड़ रहा है। दिक्कत हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। पूरा बर्फ़ का पास आ गया हम लोग, बहुत सारा बर्फ़ है। और ये टूरिस्ट लोग देखिए पूरा गाड़ी से निकल गया, पूरा गाड़ी से हाफ निकल गया वो और फोटो खींच रहा है। क्यों नहीं खींचेगा भाई, इतना बढ़िया जगह मिल गया तो फोटो तो खींचना मांगता है। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इधर तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है और हम लोग को रुकने के लिए मन कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हम लोग को अभी यमथंग जाना है। तो यमथंग में जाके हम लोग फोटोशूट करेंगे। और ये है यमथंग नदी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में।
अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। तो जो भी हो, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। यमथंग जाने के पहले और एक सुंदर नज़ारा, और ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, पूरा ढका हुआ है बर्फ़ से। और ये अच्छा से देखने में आपको और एक चीज़ मिलेगा, देखिए उधर से वाटरफॉल्स गिर रहा है और पास में भी बहुत सारा बर्फ़ है। और ये देखिए पूरा पहाड़ वो ऊपर पूरा क्लाउड से भरा हुआ है। ये पूरा देखिए पूरा क्लाउड है, पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, वाटरफॉल्स भी है, बर्फ भी है, बड़ा सा एक वैली भी है और सामने यामथांग नदी भी जा रहा है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और ये इधर भी एक वाटरफॉल्स है, पेड़ है, सब कुछ है इधर। आपको अगर आप लोग आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्केट जैसा है और ये मार्केट में बहुत कुछ दिख रहा है। आप लोग को कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हो। यमथंग वैली के ये क्या है? ये तो गाड़ी लगनी है, ये पार्किंग एरिया है। अच्छा, और 0.0 जो नहीं जाने देगा। हम लोग इधर यमथंग वैली में आ गया और ये है थोड़ा एक छोटा सा बाजार। ये है नीचे, ये वैली देखिए आप लोग, और हम लोग भी नीचे जाएंगे तो ये नज़ारा देखिए बहुत ही बढ़िया है। और ये ओह माय गॉड, और ऊपर पहाड़ है और ये वैली है और उसके साथ एक नदी भी जा रहा है, यमथंग नदी। देखिए ये हमारा दोस्त तो खड़ा हो गया। ये है पूरा वैली, देखिए ये पूरा वैली है और ऊपर पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। चलिए आप लोग जुड़े रहिए। ये पूरा यमथंग वैली है। ये सब नीचे आदमी लोग देखिए थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। ये बहुत बड़ा वैली है और ये देखिए ये साइड देखिए पूरा बर्फ़ है। ये देखिए पूरा बर्फ, ये हम लोग हाथ में ले रहे। ये भाई भाई को मारा। ये कैसा लग रहा है अरूप इधर आके? बहुत अच्छा, ये वैली बहुत सुंदर है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ भी मिल रहा है, हम लोग थ्रो कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, पीछे का ये लुक दिखा भाई। दिखाते हैं, दिखाते हैं। ओ देखिए ऊपर पहाड़, देखिए ये पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और ये क्या बात, क्या बात। अरे हमारे मुझे पा ये पक्का का प्रभाव।
और ये देखिए वो दूर भी है, सब जगह पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए मेरा दोस्त, और ये बहुत एनर्जी है इसमें, सबसे हम लोग से सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें ही है। ये गोपाल दा है और दिया 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 दिया, आज शुरू हो गया, ये होली के जैसा शुरू हो गया। इसको मारो वो उसको मारता है, फुलपन हो गया चुपड़ो। देखो हाथ दिखाओ, थोड़ा हाथ दिखाओ, लाल हो गया हाथ थोड़ा बर्फ देखे। देखिए थोड़ा लाल, देखिए लाल हो गया पूरा, बहुत ठंड है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे नीचे जाते हैं और रिवर के पास जाएंगे। हम लोग आ गया रिवर के पास एकदम, और ये देखिए नदी, और इसका साउंड सुनिए, देखिए कितना बड़ा है वो, पहाड़ से आ रहा है नदी और ये जा रहा है इधर। देखिए वाइट वाइट जैसे पानी है। तो चलिए अभी चलते हैं होटल, और जीरो पॉइंट हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि उनका जो गवर्नर है अभी गया है, तो हम लोग को अभी जाने नहीं दे रहा है। तो हम लोग जीरो पॉइंट नहीं जाएंगे अभी हम लोग होटल जाएंगे, होटल जाके बैग लेके हम लोग फिर जाएंगे लाचेन।